यहाँ का जो जेंडर एम्पावरमेंट और जेंडर सेंसिटाइजेशन का जो एक मैकेनिज्म था, जिस बॉडी को कहते थे GSCASH, उसको हटा दिया गया। एक रात में अचानक से वाइस चांसलर उठ के एक फरमान जारी करते हैं कि GSCASH अब इस कैंपस में नहीं होगा और ICC को लाया जाता है। उस वक्त का भी जो यूनियन था, हमने उस वक्त भी ICC का विरोध किया और ICC का विरोध करते हुए हमने एक पैरेलल इलेक्शन किया GSCASH को बचाने के लिए। और उस GSCASH इलेक्शन में हमने देखा कि जो इस विश्वविद्यालय के स्टूडेंट थे, उन्होंने भारी से भारी मात्रा में उस जो इलेक्शन था उसमें आए, पार्टिसिपेट किया और वोटिंग की, बाजाबता वोटिंग की। और उस वक्त ये भी दर्शाता क्या है कि जो इस कैंपस के स्टूडेंट है, उन्होंने हमेशा ICC को रिजेक्ट किया और हमेशा हमारी तरफ से डिमांड रहा है कि GSCASH को वापस लाया जाए, क्योंकि हम एक खास कॉन्टेक्स्ट से ये बात कहते थे। आपने देखा होगा पिछले 2 साल से जो भी ICC में केस आए हैं, उनमें आप देख लीजिए जो कंप्लेनेंट्स थे उनको किस वहाँ पर कौन किस तरीके के फैसले सुनाए गए। पिछले वीक आपने पढ़ा होगा कि ICC एक बड़ा 1200 पेज का रिपोर्ट लाया, जहां पे अतुल जौहरी को क्लीन चिट दिया गया। और वहां पे क्लीन चिट ही नहीं दिया गया, बल्कि ये भी कहा गया कि अतुल जौहरी को इस कैंपस में सिक्योरिटी चाहिए। अतुल जौहरी को जो सरकार से एक स्पेशली विवान टंडन ने रिक्वेस्ट किया कि अतुल जौहरी को सिक्योरिटी यहाँ पे एक सिक्योरिटी दिया जाए। इसलिए जो हमारा लास्ट टाइम से पिछले 2 साल से कंसिस्टेंटली हमारा डिमांड रहा है कि हम ICC रिजेक्ट कर रहे हैं, हमें यहाँ पर GSCASH वापस चाहिए। हम वो जो बैटल है हम इस वक्त लीगली भी लड़ रहे हैं, हम इस वक्त सड़कों पर भी लड़ रहे हैं। और इसी विषय में आज जो हमारे स्पीकर आए हैं वो इन्हीं मुद्दों पर आपसे बात करेंगे। क्लास 1 में जितना लड़की एनरोलमेंट किया है उससे भी बहुत कम लड़कियाँ, उसे बिल्कुल 100 लड़कियां क्लास 1 में एडमिशन लिया है, तो हमें पता है कि यूनिवर्सिटी में कितना पहुंचने का एक मौका गर्ल्स को मिलती है या गर्ल स्टूडेंट्स को मिलती है। तो ये सारी लड़ाई करके जब हम यूनिवर्सिटी के स्तर पे आ जाती है तो हमें पहला प्रश्न क्या पूछती है, तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है क्या? और हमने बोला यदि बॉयफ्रेंड है, जो गाइड को हमने बोला हाँ सर मेरा एक बॉयफ्रेंड है, तो अगली प्रश्न है कि क्या कोई सेक्सुअल रिलेशन है उनके साथ, और उसका भी जवाब दे दिया। फिर इसके बाद कमेंट्स होती है, पहले प्रश्न होती है फिर कमेंट्स। कमेंट्स क्या है, तुम्हारी बॉडी के शेप को लेके तू कैसे है और बाकी लोगों से कितना सुंदर है, या बाकी लड़कियां कितना सुंदर है, आप क्यों सुंदर नहीं है। फिर एडवाइस है, यह सुंदर जो शेप मेंटेन करने के लिए क्या क्या करना है। यही जौहरी साहब दे रही थी, जो इसके बारे में भी कंप्लेंट है, यह सब अखबारों में आ गया है। तो इसके बाद फिर यूनिवर्सिटी के अंदर ऐसा वो भी एक देश की इतनी क्या जाने माने इंटरनेशनली रेप्यूटेड एक यूनिवर्सिटी के अंदर एक गाइड के गाइड अपनी जो स्टूडेंट्स के साथ ऐसा जो क्वेश्चंस और उसी प्रकार का एक बिहेवियर, यही रिपोर्ट बाहर आ रही है। तो मैं ये एक बात आपके सामने रखना चाहती हूँ, ये जो GSCASH इधर पहले था वो हर पूरी देश के अंदर हर यूनिवर्सिटी के अंदर इसके बारे में एक चर्चा होती थी, और ये इसका मॉडल को बाकी यूनिवर्सिटी के अंदर कॉलेजों के अंदर कॉपी करने का, इसको उधर भी ऐसा एक सिस्टम खड़ा करने का एक प्रयास करती थी। वो खड़ा भी किया था बहुत सारी यूनिवर्सिटी में कॉलेजों में, और ये ऐसा आया नहीं है। एक GSCASH का पीछे भी एक बहुत बड़ा संघर्ष का, बहुत बड़ा आंदोलन की एक सैक्रिफाइस का एक एक कहानी है। बहुत सारी महिला उत्पीड़न की जो विक्टिम होने के बाद उसके बाद ये सारी चीज आ गया था, वो एक संघर्ष की महिला आंदोलन की संघर्ष के एक रिजल्ट था। ऐसा ही सेंडर जो सबको पता है विशाखा जजमेंट के बारे में, मैं उसकी डिटेल्स में जाना नहीं चाहती, मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ वो भी जब यूनिवर्सिटी के अंदर ऐसा सिस्टम खड़ा कर लिया है तो उसका पीछे भी इस देश की महिला आंदोलन की और जो प्रोग्रेसिव फोर्स का बहुत बड़ा आंदोलन की एक रिजल्ट था वो। तो इसको जो
एक जो सिस्टम लागू करने में, और इसको क्यों मैं इतना महत्वपूर्ण है, क्योंकि एक अल्टरनेटिव ग्रीवेंस रिड्रेसल एक मैकेनिज्म, एक सिस्टम के रूप में यूनिवर्सिटी के अंदर ऐसा जो क्राइम्स होती है, लड़कियों के साथ ऐसा दुर्व्यवहार होती है, तो हर एक का इसका भी एक ऐसा सेक्सुअल हरासमेंट का, सेक्सुअल वायलेंस का भी बहुत बहुत सारा जो डायमेंशन है वो सबको पता है कि क्लास, कास्ट, ये सब, रीजन, रिलीजन, ये सारी चीज होती है। तो सबका जो पावर रिलेशंस और जो ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म को एक्सेस करने का, उसका भी एक डिफरेंट एक एक्सेसिबिलिटी होती है, और इस वजह से भी ये ऐसा अल्टरनेटिव सिस्टम बहुत इम्पोर्टेंट था, है, और इसको इस वजह से भी बहुत सारी जो ऐसा हरासमेंट का पीड़ित लोग इस सिस्टम को यूज करने में आगे आती थी। ये भी मैं शुरुआत में बताया, बहुत बड़े आंदोलन की एक रिजल्ट है उसके, उस प्रकार जो विमेन स्टडी सेंटर्स, वो भी एक देखना है कि पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, सारा चीज़ें करिकुलम के अंदर जो विमेन स्टडीज को लेकर, महिलाओं की कंट्रीब्यूशन, विमेन्स कंट्रीब्यूशन और विमेन्स इश्यूज, डिफरेंट इश्यूज, ये सारी चीज को लेकर भी करिकुलम के अंदर आना भी, ये दो चीज बहुत महत्वपूर्ण है। ये महिला आंदोलन का ही और प्रोग्रेसिव फोर्स का बहुत बड़ा संघर्ष की एक रिजल्ट है। इसको हमें एक्सेप्ट करने का एक्सेप्ट करना जरूरी है, और इस वजह से भी इसका ऊपर इतना बड़ा एक क्या है, धक्का हो रहा है इसका बड़ा, इसका ऊपर इतना बड़ा, क्योंकि ये यूज कर रही है जो पीड़ित लोग, और जो एक्सेस कर रही है, रिजल्ट मिल रही है और रिड्रेस हो रही है अपना अपना जो ग्रीवेंस, इस वजह से भी इसका इसका ऊपर हमला इस वजह से भी हो रही है। प्रधानमंत्री कितना मन की बात किया था, कितना पूरी दुनिया में जाके बहुत सारी पब्लिक मीटिंग किया था, और इस देश के अंदर हजारों पब्लिक मीटिंग किया, नॉट अ सिंगल मीटिंग एक बार भी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने महिला आरक्षण के बारे में एक शब्द भी बोला नहीं है, बाकी सारी चीज के बारे में बोला है, और मगर एक शब्द, पिछले 22 साल से यह बिल पड़ा है पार्लियामेंट में, मगर यही एक प्रधानमंत्री है, कम से कम ये तो बोलो कि कंसेंसस चाहिए, नहीं तो बोलो मैं इसका पक्ष में नहीं, कुछ तो बोले, मगर एक बार भी एक शब्द भी बोला नहीं, क्योंकि नहीं चाहते कि पार्लियामेंट को जैसे ही मानती नहीं है, फिर उसी पार्लियामेंट के अंदर महिला भी आए, तो ये भी बिल्कुल उनकी सोच के अनुसार नहीं है, क्योंकि उन्होंने पहले से ही बताया, मैं बिल्कुल एक डिसिप्लिन, क्या आरएसएस की जो प्रचारक है, डिसिप्लिन प्रचारक है, वही बताया था, तो डिसिप्लिन प्रचारक को आरएसएस का मनवाद का विश्वास, आइडियोलॉजी रखने वाला, वो फिर महिला को जो जो बराबरी के बात, और बराबरी में पहुंचने के लिए शिक्षा कितना महत्वपूर्ण है वो भी देखने का है। तो आजकल है सील्ड बॉटल वर्जिनिटी जो क्या है वो ब्रांड चल रही है, तो जौहरी को उसके बारे में कुछ पता नहीं है, ये सील्ड बॉटल वर्जिनिटी ब्रांड के बारे में, ये बिल्कुल शर्म की बात है कि ऐसा ब्रांड के बारे में कोई यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर चर्चा करती है, और इस तरफ एक प्रोफेसर इतना जो इसके खिलाफ इतनी कंप्लेंट आने के बावजूद भी वो खुद बोल रहे मैं बहुत अच्छा हूँ, मेरे खिलाफ साजिश हो रही, ये बोल रहे, ये स्थिति में हम आज पहुंच गया है, तो क्या करना है, क्या करना है, करने का है कि ये एक मुद्दा क्या है, जेंडर सेंसिटिविटी का, जेंडर जस्टिस का, जेंडर इक्वालिटी का मुद्दा है, ये जेंडर सेंसिटिविटी के मुद्दा, ये नहीं है कि हम सब बहुत जेंडर सेंसिटिव है, ये जब क्राइसिस आ जाती है तो हम सब एक साथ आ जाती है, इसको हम इसके बारे में बहुत चर्चा करती है, मगर जब क्राइसिस नहीं है तो भी हमें जेंडर इक्वालिटी की, जेंडर जस्टिस की, जेंडर सेंसिटिविटी की बात रखने का है। तो इधर क्या है,
आईसीसी एक टूल बन रही है ये ऐसा सेक्सुअल हरासमेंट करने का, जो हरी जैसा ब्रांड वाला लोगों को सेक्सुअल हरासमेंट जो गर्ल स्टूडेंट्स के साथ करके उस गर्ल स्टूडेंट्स का जो हक है जो डिग्निफाइड तरीके से अपना पढ़ाई पूरा करने का उसको रिजेक्ट करने के लिए आईसीसी एक टूल है सेक्सुअल हरासमेंट का, हम बिल्कुल इसको रिजेक्ट करते हो और आप सब जेएनयू स्टूडेंट्स के पक्ष में खड़ा हो के हम भी ये डिमांड मांग रखते हो कि सिर्फ जौहरी को इधर से हटाने की बात नहीं, हटाना ही है, इसमें कोई दो राय नहीं है, जौहरी को हटाना है इधर इस पद से, उसको सस्पेंड डिसमिस कुछ भी करो, मगर उसके भी ये पोटेंशियल थ्रेट है, ये पूरे देश की जहां भी जाए वो लड़कियों के लिए पोटेंशियल थ्रेट है, इसलिए उसको जेल के पीछे जेल में डालना ही है, यही हमारा मांगे, कड़ी से कड़ी इसको पनिशमेंट देना है। 8 girls have complained against a professor. It is not a small thing. It is a very, very serious matter. And we demand immediate action against this professor. And he should not only be suspended or dismissed, but he should be put behind the bars. And we are for the constitutional rights of each and every individual, and we will ladenge, we will jeetenge. Aaj jo hum log ye ICC ke bare mein jo baat cheet chal rahi hai, kyunki JNU ke andar ek bahut zabardast pehel ke baad ye internal complaint committee ka gathan hua, hame pata hai kyunki mazdoor auraton ke beech jab hum log kaam karte hain, ट्रेड यूनियन के साथ जुड़े हैं, महिला आंदोलन के साथ जुड़े हैं और उसमें असंगठित क्षेत्र की औरतों के साथ, उस आंदोलन के साथ हमारा एक स्पष्ट अनुभव है कि जब औरत कहीं भी काम पर जाती है तो मालिक की तरफ से अधिकतर उसकी शक्ति का इस्तेमाल करके उस औरत का जो यौन शोषण होता है, वो काम करने की पोजिशन में जब यौन शोषण होता है तो वो दोरी मार होता है, उसकी डिग्निटी पर भी होता है, उसकी जीविका पर भी होती है। इसलिए हमने हमेशा एंटी सेक्सुअल हैरेसमेंटेड वर्कप्लेस के संबंध में एक विशेष कानून होना चाहिए, ये हमारा आंदोलन और विशेषकर जो वामपंथी विचारधारा के संगठन है, जो ट्रेड यूनियन है, हमेशा ये हमारी बहुत अहम मांग रही है। और आप जानते हैं राजस्थान में भवरी देवी, वो बहादुर महिला के साथ जो शोषण हुआ था, जो यौन शोषण हुआ था, उसके आधार पर जब संघर्ष हुआ, फिर 1997 में विशाखा जजमेंट हुआ सुप्रीम कोर्ट का जस्टिस वर्मा का। अब आप सोचिए मेरे प्रिय दोस्त, 1997 में विशाखा जजमेंट होता है, 16 साल लग गए देश की सरकार के लिए कि उस विशाखा जजमेंट को अमली जामा पहनाने के लिए जो कानून की जरूरत है, 16 साल लग गए। लेकिन हमें गर्व है जेएनयू पर कि 1997 में विशाखा जजमेंट हुआ, 2 साल के अंदर अंदर उस जजमेंट की स्पिरिट को लेकर, उस जजमेंट के आधार को लेकर आपने यहाँ इसी कैंपस में स्टूडेंट यूनियन की पहलकदमी से, फैकल्टी की सहयोग से आपने जीएस कैश का गठन हुआ। और ये जीएस कैश 1999 में पूरे देश की यूनिवर्सिटीज कॉलेजों में एक चेतना जगी कि जब जेएनयू ये कर सकता है तो हम क्यों नहीं कर सकते हैं। और विशेषकर गर्ल्स स्टूडेंट्स के अंदर एक डिमांड उठा कि हमें भी ऐसा चाहिए, तो इसलिए आपने वो रिकॉर्ड कायम किया सब जगह। हमें मालूम है जब हम लोग संघर्ष करते थे और हम सरकार के साथ बात करते थे, हमारी बात ये थी जीएस कैश का जो चार्टर है, जीएस कैश का जो पूरा चार्टर और मैंडेट बनाया है, जनवादीकरण के आधार पर
स्टूडेंट्स की पार्टिसिपेशन से चुनाव के आधार पर निश्चित रूप पर ये देश भर के लिए एक मिसाल होना चाहिए। और GSCASH हमें मालूम है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे केसेस थे जहां जरूरत पड़ी कि महिला आंदोलन भी उसमें हस्तक्षेप करके उस आंदोलन को कैंपस के अंदर और मजबूत करे, उसके लिए भी हम लोगों का प्रयास रहा। एक रिकॉर्ड वो था और एक रिकॉर्ड आज 2019 में ये JNUSU सेट कर रहा है। मैं आपको बता रही हूं, हम लोग बहुत केस लड़ते हैं, बहुत वर्किंग वुमेन के केस लड़ते हैं, लेकिन आज तक हमने कहीं नहीं सुना कि किसी यूनिवर्सिटी या कॉलेज में जब एक लड़की कंप्लेन करती है उस लड़की को ही सजा देंगे। ये भी इस यूनिवर्सिटी का रिकॉर्ड है। और एक और रिकॉर्ड इस यूनिवर्सिटी ने किया है, वो क्या है? एक प्रोफेसर जिसके खिलाफ प्राइमा फैशी एविडेंस की आधार पर हाई कोर्ट ये तय करता है, एक डिसीशन देता है कि वो प्रोफेसर JNUSU की प्रेमिसेस से बाहर रहे, लैब में ना आए। और आज उस हाई कोर्ट की फैसले के बाद ये कमिटी उसको क्लीन चिट देती है। बहुत हमने अनुभव किया, लेकिन मैं आपको बताऊं, ये भी एक रिकॉर्ड है JNUSU का कि एक GSCASH को समाप्त करके आपने कैसे वातावरण बनाया कि कोई लड़की बोले मेरे प्रोफेसर मेरे खिलाफ इस प्रकार का यौन सेक्सिस्ट या जो कानून का परिभाषा उसके अंतर्गत ये आता है एक अपराध, वो अपराधी है, और आप उसको क्लीन चिट देके अभी आप एक वातावरण बना रहे हैं कि हाई कोर्ट में जाकर स्टे को उठवाने के लिए आप उस जोड़ी को दोबारा उस लैब के अंदर प्रवेश करने का इजाजत दे रहे हैं। JNUSU की स्टूडेंट्स ये कभी होने नहीं देंगे, ये मैं उम्मीद करती हूँ। सेक्सुअल हैरेसमेंट के खिलाफ प्रोसीडियर्स इतने कम्बसम है, इतने मुश्किल है, लड़की की एनोनिमिटी, लड़की की सुरक्षा, विशेषकर यूनिवर्सिटीज और स्टूडेंट्स के अंदर जिनका पूरा भविष्य भी इस यूनिवर्सिटी में ही और उसके बाद लगा हुआ है, तो ये तमाम चीजें बहुत जरूरी है। तो प्रोसीडियर्स न होने के कारण हमारी महिलाएं जो परेशान है, जो पीड़ित है, उन्होंने वो मी टू मूवमेंट शुरू किया। मी टू मूवमेंट इस बात को भी प्रतिबिंबित करता है, रिफ्लेक्ट करता है कि आज हमारे देश की सेक्सुअल हैरेसमेंट के खिलाफ जो लीगल प्रोसीडियर्स है, जो जस्टिस के लिए प्रोसीडियर्स है, वो पूरे तौर पर फेल हुए हैं। इसलिए महिलाएं दूसरी रास्ता ढूंढकर नेम एंड शेम का उनको वो हथियार अपनाना पड़ा। तो ये तमाम मुद्दे आज JNUSU के साथ इसलिए जुड़ गए हैं क्योंकि JNUSU की प्रशासन सेक्सुअल हैरेसर्स की प्रोटेक्शन के लिए, डेमोक्रेटिक राइट्स की हनन करने के लिए आज वो पूरे तौर पर लगे हुए हैं। मैं उम्मीद करती हूँ कि जो आप लोगों ने, जो JNUSU स्टूडेंट्स यूनियन ने, जो इस संघर्ष को आपने शुरुआत तो नहीं, आप तो लगातार लड़ रहे हैं, लेकिन एक सेकंड फेज के रूप में आप लोग जो इस लड़ाई को आगे लेकर जाएंगे, निश्चित रूप पर आप पाएंगे कि देश भर की महिला संगठन सिर्फ नहीं, ट्रेड यूनियन भी आपके साथ रहेंगे, क्योंकि ये संघर्ष मजदूर कर्मचारी स्टूडेंट्स का एक यूनाइटेड संघर्ष है, हमारी डिग्निटी के लिए, हमारी आत्मसम्मान के लिए, हमारे अधिकारों के लिए। आपने सही कहा कि अभी जब से ये वाइस चांसलर आया है तब से हमारे कैंपस में बहुत सारे नए नए रिकॉर्ड आ रहे हैं। सिर्फ GSCASH की बात नहीं है, ICC की बात नहीं है, हमारे जितने भी मुद्दे हैं, हर मुद्दों पे उन्होंने ऐसा कोशिश किया
कि कैसे जेएनयू से स्टूडेंट को ही बाहर रखा जाए। पहले एक ऐसा सीट कट किया जाता है इस कैंपस में ताकि रिसर्च स्कॉलर ना आ पाए। वहाँ पे जो सदियों से हम डेप्रिवेशन पॉइंट्स की बात किए हैं, जो इस कैंपस में महिलाओं का रिप्रेजेंटेशन बना के रखा है, उसको हटाने की कोशिश की गई, फिर जीएसकैश को हटाने की कोशिश की गई, और ये सारे मुद्दे हमें याद है। और आपने जैसा बोला कि आगे आने वाले समय में जेएनयूएसयू इस मूवमेंट को आगे लेके जाएगा, अगले फेज में लेके जाएगा, और जेएनयू स्टूडेंट कम्युनिटी इस वाइस चांसलर के खिलाफ एक चार्जशीट दर्ज करेगा। जिस तरह से उन्होंने जेएनयू के स्टूडेंट्स को, जेएनयू को पूरे देश में बदनाम कर रखा है, जिस तरह से हमें एंटी नेशनल करार दे रखा है, हम इस वाइस चांसलर को एक इस कैंपस से निकाल के रहेंगे और बताएंगे कि कैसे हमें और इस कैंपस को बर्बाद करने की जो इनकी साजिश थी इस वाइस चांसलर की और हमारे मोदी सरकार की, ये हम चलने नहीं देंगे। ये कैंपस हमेशा ये रिप्रेजेंट किया है कि कैसे पब्लिक एजुकेशन सबके लिए एक्सेसिबल हो, और वो यही नहीं चाहते, प्राइमरी उनका यही कोशिश है कि कैसे पब्लिक एजुकेशन को ही ख़त्म किया जाए। और उसमें इसीलिए जीएसकैश क्यों जरूरी है कि जीएसकैश एक ऐसा इंस्टीट्यूशन बनाता है जो महिलाओं के लिए एजुकेशन एक्सेसिबल बनाता है, हम सब इक्वली आके पढ़ पाए। वरना अगर जीएसकैश ना हो तो हम देख रहे हैं किस तरह से लोगों को रोज आज एक सेक्सुअल हरासमेंट का फेस करना पड़ रहा है, जिसकी वजह से भी ड्रॉप आउट होते हैं। वो ड्रॉप आउट रोकने के लिए हमें यूनाइटेड होके हमारा जीएसकैश की लड़ाई करनी पड़ेगी। बहुत बहुत शुक्रिया। और इस भयानक ठंड में आप लोग बैठे हैं, जमीन पर बैठे हैं, खड़े हैं और अपने गर्मजोशी से गर्मी ला रहे हैं, तो आप सभी लोगों को मैं सबसे पहले सलाम करना चाहती हूँ। और हमेशा की तरह जेएनयू में आना मेरे लिए हमेशा मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि एक तरह से मेरे राजनीतिक जीवन की शुरुआत, एक सक्रिय नागरिक के रूप में जीवन की शुरुआत इसी कैंपस में हुई। मुझे बेहद खुशी होती है यहाँ पर आकर के आपके बीच में, और आज तो एनी और बृंदा के साथ में यहाँ आने को मिल रहा है, तो और ज़्यादा खुशी की बात है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सब लोगों को और जेएनयूएसयू को खास करके कि आपने हम लोग को ये मौका दिया। मैं एक बात आप लोगों से शुरू में शेयर करना चाहती हूँ कि जिस दौर की बात कर रही थी हम, मेरे से पहले भी कॉमरेड बृंदा ने जो कहा कि 97 वाले समय पर जो वहाँ पर जो सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आया, विशाखा जजमेंट आया, और उसके दो साल के अंदर यहाँ जीएसकैश का बनना, मैं यहाँ पर ये भी बताना चाहती हूँ कि दरअसल विशाखा जजमेंट से पहले ही ये प्रक्रिया जेएनयू में शुरू हो चुका था। और ये इतनी इम्पॉर्टेंट बात है, जेएनयू के इतिहास का इतना अहम हिस्सा है, और मुझे बहुत गर्व है, बहुत खुशी है कि मैं उस ऐतिहासिक समय का एक हिस्सा थी, एक छात्र थी इस कैंपस में उस समय, जिस समय 95 में जब मैं जॉइंट सेक्रेटरी थी इस यूनियन में, उस समय यौन उत्पीड़न का एक मामला आया था जिसमें टीचर इन्वॉल्व थे और स्टूडेंट के साथ हुआ था। और उस समय हम लोगों ने ये देखा था कि किसी अध्यापक के बहुत सारे ऐसे मामले हैं जहां कंप्लेंट नहीं होती। हम सब जानते हैं कि होता है ऐसा, कोई टीचर है जो कर रहे हैं, लेकिन सत्ता का मामला इस तरह का है कि किसी छात्र के लिए वो कदम लेना कि वो अपने अध्यापक के खिलाफ कुछ बोले या प्रशासन में कोई बैठा हुआ उसके खिलाफ बोले, कंप्लेंट करें, और वो प्रोक्टोरियल इंक्वायरी में चला जाएगा, और प्रोक्टोरियल व्यवस्था तो पूरा खड़ी हुई है, वो प्रशासन का हिस्सा है, और वो सत्ता के उसी चीज को, उस एरार्की को बचाने में उसका एक वेस्टेड इंटरेस्ट है, और इसीलिए वहां पर वो छात्र को या किसी कर्मचारी को या किसी सफाई कर्मी को उसके कंप्लेंट की कोई जगह ही नहीं बनती। ये हम लोगों ने दिल्ली यूनिवर्सिटी में भी देखा था, जहां एक सफाई कर्मी महिला के आंदोलन के साथ दिल्ली यूनिवर्सिटी लड़ी थी, और यहाँ भी जेएनयू में हम लोगों ने देखा था एक स्टूडेंट के मामले में भी। तो उस समय ही मुझे याद है कि हम लोगों ने मिल करके एक पर्चा लिखा था 95 में, जिसमें सबसे पहले, उसमें तो मैंने सुना भी नहीं था, हम लोगों ने सुना भी नहीं था कि ऐसा कोई केस चल रहा है सुप्रीम कोर्ट में वहाँ पर, लेकिन उस समय हम लोगों ने लिखा था कि कोई ऐसे किसी कमिटी, किसी इंक्वायरी बॉडी की ज़रूरत है जो ये जो सत्ता की स्ट्रक्चर है उससे हट के हो, उसको इन्वर्ट करे, ऐसी जगह हो जो प्रशासन से अलग हो, और इसीलिए वहां पर कोई न्याय की संभावना भी बनेगी और कोई बोल पाएगा। वरना आप यौन उत्पीड़न को एक तरह से जगह दे रहे हैं, बुलावा दे रहे हैं कि आप बैठ के रहो कैंपस में, ये बना रहने वाला है।
और उसके बाद हम लोगों ने जब पता लगाया और धीरे धीरे वहाँ पर एक माहौल बना, यहाँ के बहुत सारे फैकल्टी मेंबर्स, बहुत सारे स्टूडेंट्स मिल करके ये चर्चा करने लगे, हम लोग को पता चला कि विदेश के कैंपसों में इस तरह की कमेटियाँ बनी हुई हैं, उसका हम लोगों ने कहाँ कहाँ से मंगवाया। याद रखिए उस समय ईमेल बड़ी ऐसी चीज़ थी, शायद लगभग यूज़ में था नहीं, हम तो नहीं इस्तेमाल करते थे, मुझे मालूम है कंप्यूटर वगैरह था नहीं, कहाँ से टीचर्स के जरिए मंगवाए कि अच्छा अमेरिकन कैंपसेस में किस तरह की कमेटियाँ बनती हैं, उनके जेंडर पॉलिसी क्या है, उनके यहाँ इस तरह की बॉडीज का क्या नियम कानून होता है, कैसे चलती हैं, पब्लिक मीटिंग्स किए जेएनयू में जिसमें इसमें बातचीत करने के लिए। उस समय विशाखा का जो केस लड़ा जा रहा था सुप्रीम कोर्ट में, उसमें जो लड़ रही थी वकील, वो आकर के यहाँ पर एड्रेस की थी पब्लिक मीटिंग को, अभी भी वो सारे दृश्य मुझे बहुत अच्छे से याद है। और उसके बाद खैर कई सारे ऐसे आंदोलन हुए, और इसीलिए वो लड़ाई कभी कोई ऐसी कोरी कोई कागज वाली लड़ाई थी नहीं, उस तरह के लिविंग ब्रीथिंग लोग थे, स्टूडेंट्स थी, विमेन स्टूडेंट्स थी, उसके अलावा एक लड़की थी जिसका कोई किसी को अता पता नहीं था कि वो कहाँ से आई थी, मेंटली चैलेंज भी थी, उसके साथ में एक गैंगरेप हुआ था, उसके मामले को उठाया गया था, उसमें स्टूडेंट्स टीचर्स सब मिल करके उस बच्चे को कैसे हम न्याय दिलाएं उसके लिए लड़े थे, उन सारी लड़ाइयों से इमर्ज किया था जी एस कैश। वो सिर्फ कोई सुप्रीम कोर्ट जजमेंट आया और जजमेंट के वजह से बस उसमें कैसे हम कानूनी रूप से इम्प्लीमेंट करें, वैसा नहीं था, शायद उसकी ताकत यही थी। इसलिए मैं ये कहना चाहती हूँ यहाँ पे कि मैं इस बारे में सोचती हूँ कि जिस प्रक्रिया को कॉमरेड बृंदा ने इतने बढ़िया तरीके से यहाँ बताया कि वो कानून कैसे बना, सेक्सुअल हरासमेंट वाला लॉ, और उसमें महिला संगठनों ने किस तरह का दबाव डाला, क्या क्या चेंजेस करवा पाए, क्या नहीं करवा पाए, वहाँ पर मैं ये इस चीज़ को सोचती हूँ कि ये याद रखना हमेशा जरूरी है कि कोई भी चीज़, कोई भी कानून, कोई भी पॉलिसी, कोई भी संस्था संगठन जो भी हो, वो ऐसा बने जो लोकतांत्रिक तरीके से बने, तब उसमें कमी कमजोरियां अगर रहे भी। जीएस कैश के अपने स्ट्रक्चर में भी बहुत सारे चेंजेस छात्रों ने लाया, लोगों ने लाया, जेएनयू कैंपस में लोगों ने उसको बेहतर करने के ढेर सारे तरीके निकाले और बेहतर वो करते गए, तब भी उसमें कमी कमजोरियां जरूर रह गई होंगी, लेकिन तब भी उसमें जगह रहता है कि आप उसे बेहतर कर सके। लेकिन जैसे ही वो एक तरह से राज्य जब इसमें हाथ डालती है, कोई भी स्टेट जब लॉ बनाती है, तो वो कहने के लिए तो महिलाओं की सुरक्षा के लिए, इसके लिए, उसके लिए कहती है, लेकिन दरअसल उसकी एक रेगुलेटरी वो चाहती है कि कानून बने, तो वो बलात्कार का कानून हो, यौन उत्पीड़न का कानून हो, कोई भी महिला संबंधी कानून हो, तो वो एक तरह से देश में समाज में जिस तरह का जेंडर रिलेशंस है उसमें जो जेंडर के आधार पे सत्ता है उसको बचाने का उसका एक इंटरेस्ट है, और इसीलिए उसको रेगुलेट करने के लिए उस कानून का एक तरह से उसके पीछे उनकी मंशा होती है, उसकी इच्छा होती है, और उस कानून पे भी उसका एक छाप आ जाता है। एक तरह से अगर कोई ढंग का कानून बनता है तो राज्य के बावजूद बनता है, आंदोलन के जरिए बनता है, लड़ लड़ के बनता है किसी तरह से, और उसके बाद भी उसको चलाने का, उसे इंप्लीमेंट करने का जो हालत होता है वो हम लोग देख रहे हैं। पढ़ने लिखने वाली लड़की इमीडिएटली फैंटेसाइज अबाउट व्हाट शी मस्ट बी डूइंग ऑन दिस कैंपस, दिस ग्रीन कैंपस बिहाइंड ऑल दोस ट्रीज, इमीडिएटली इमेजिन इट। ये अलग बात है कि हम लोग जब कैंपस में थे तब भी एबीवीपी वाले ये सब कहते थे, और हम लोग हमेशा ऐसा के बारे में खास करके कहते थे कि वो लड़कियां, वो महिलाएं देखो कैसी है, नारीवादी हैं और फ्री सेक्स करती हैं। मैं ज्वाइन की तो भाई दिन भर पर्चा लिख रहे हो खट खट करके, और उसके बाद में टर्म पेपर लिख रहे हो रात रात भर जग करके, कहाँ समय है, वेर आर ऑल दिस एक्साइटिंग ऑर्जीज हैपनिंग, पता ही नहीं चला कहाँ हो रही है। और सचमुच में बड़ा मैंने बोरिंग था, मैं तो, मेरी तो शिकायत है भाई इस कैंपस से कि आपने तो कोई मजा ही नहीं दिया इस समय, ये सारे इतना एक्साइटिंग पिक्चर पेंट कर रहे थे और हम लोग जो है पता नहीं कहाँ पे घिस रहे थे इस तरह से करते हुए, तो इनको ये खतरा लगता है। मैं आपका इस ठंड में ज्यादा समय नहीं लूंगी, मैं बस इतना कहूंगी हाँ ये बहुत गंभीर मसला है जिस पर आप लोगों ने बुलाया, हंसने वाला मसला नहीं है, वो गुस्सा करने वाला और आंखों में आंसू लाने वाला मसला है कि किसी महिला के साथ इस तरह से हुआ, किसी वुमेन स्टूडेंट के, सिर्फ जेएनयू में नहीं, बीएचयू में जब महिलाएं लड़ रही थी यौन उत्पीड़न के खिलाफ, वहां एबीवीपी वाले, मैंने सुना वो महिलाओं से कह रही थी, वहां की छात्राओं ने मुझे बताया कि वो कह रहे थे कि आप हमारी बहने हैं, हम आपके साथ हैं, पीछे खड़े रहेंगे, लेकिन आप वो जेएनयू वाली महिलाओं की तरह मत बनना।
और बीएचयू की महिलाओं ने उनको सबक सिखाया, उन्होंने कहा कि आप भैया मत बनिए, कृपा करके आप बस हट जाइए रास्ते से और हमको लड़ने दीजिए और अपना आंदोलन करने दीजिए, और वो जेएनयू जैसे गुड वुमन बैड वुमन तुरंत जो है बांट दो और कहो कि वो खराब महिलाएं हैं, वो नारीवादी हैं, आप लोग अच्छे रहेंगे तो हम आपको थोड़ा सा इसमें रखेंगे। और क्योंकि वो खराब महिलाओं की तरह आंदोलन की, लड़ी, पुलिस से भिड़ी, एबीवीपी से भिड़ी, तो साल भर बाद में उन पर भी पनिशमेंट हो रहा है। वहां पे यौन उत्पीड़न के खिलाफ लड़ोगे बोलोगे तो पनिशमेंट होगी, ये इन लोगों का कानून है। हमारे वीसीजी यहाँ के जेएनयू के उनको तो जानते हैं, बीएचयू वाले वीसीजी ने क्या कहा, जिस महिला ने कंप्लेंट किया था उस महिला को बुला करके, उसका टेप है क्विंट में शायद चला था वो, जिसमें वो कह रहे हैं कि बताइए आपका नाम बाजार में आपने चला दिया, शर्म नहीं आती आपको? शर्म नहीं आती हमको। और दिक्कत तो ये है कि ये सारा मीटू और सारी चीजें ये भी असर तो वहीं कर सकती है ना, जहां पर कोई शर्मिंदा होने को राजी हो या कम से कम उसका समुदाय शर्मिंदा होने को राजी हो। ये जो बेशर्म है इन पर तो उसका भी कोई असर नहीं होना, क्योंकि वो तो शर्मिंदा होने ही नहीं वाले, उनको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला कि आप उनके खिलाफ कुछ भी कहिए, कहेंगे हाँ तो क्या हुआ, हम तो करेंगे। और इसीलिए ये आंदोलन बहुत बहुत जरूरी आंदोलन है, हम इसमें साथ हैं, लेकिन इसको हम लोग लड़ेंगे तो पूरे मजे से लड़ेंगे, पूरा जम करके लड़ेंगे, एक साथ मिल के लड़ेंगे और सारी चीजों से जोड़ करके लड़ेंगे, महिलाओं की आजादी के लिए लड़ेंगे और उत्पीड़ित जातियों की आजादी के लिए लड़ेंगे, सबकी एक सबकी सबकी पूरी स्वायत्ता के लिए लड़ेंगे। और हम आपके खैर में पलने वाली ऐसी बहनें जिसको आप राखी बांध करके उसके बाद बंधन में बांध करके कहेंगे कि हम रक्षा कर रहे हैं, वैसे हम बिल्कुल नहीं रहने वाले। और इसको जानते हुए ये लड़ाई लड़ी जाएगी। और हाँ, इस लड़ाई में इस वाइस चांसलर को भी हटाना और देश के गद्दी से नरेंद्र मोदी को भी हटाना, उनकी सत्ता को हटाना नंबर वन स्टेप होगा। और उसके बाद में भी अगर कोई नई सरकार बनती है और वो शशि थरूर जी की तरह बकवास करने लगे शबरीमले के बारे में, चाहे वो कानून बनाने लगे महिलाओं के खिलाफ किसी भी तरह का, उसको उससे भी निपटना हम सब लोग जानते हैं, क्योंकि आंदोलन तो हम लोग पहले भी करते रहे। इसलिए ये ना कहें कोई कि हम लोग किसी के गुलाम हैं, और हम लड़ रहे हैं हमारी आजादियों के लिए, लड़ने की जरूरत के खिलाफ, जरूरत के लिए जगह बनाने के लिए। इसलिए मेरी अंतिम बात ये है कि ये सरकार, ये जो हालात है जेएनयू में, ये अबनॉर्मल हालात हैं। इस अबनॉर्मल को हटा करके हम वापस नॉर्मल में लौटने के लिए नहीं लड़ने वाले, बल्कि नॉर्मल के खिलाफ जो हमारा संघर्ष चल रहा था उसको हम दोबारा चला पाएं, हमको अबनॉर्मल से लड़ने से फुर्सत मिल सके, इसके लिए हम इस अबनॉर्मल को हटाने के लिए लड़ने वाले हैं। और मैं बहुत बहुत आप सभी लोगों की शुक्रिया करना चाहती हूँ, आप लोग इंतजार किए इतनी ठंड में और मेरी बात को सुने। सबको इनकलाब जिंदाबाद।